गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। सबसे पहले कुछ विद्यार्थियों के जो कमेंट्स है, सबसे पहला कि मैराथन कक्षाएं, तो आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है कि मैराथन कक्षाएं बिल्कुल सही समय पर कंप्लीट करनी है। पर कोई चीज ऐसे अधूरी छोड़ना ठीक नहीं लगता है। जैसे हमने प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म तक कंप्लीट कर दिया है, अब उसके बाद हमें जो भी प्राचीन भारत का इतिहास हम शुरू करेंगे तो एक प्रॉपर सीक्वेंस चलेगा। दिल्ली सल्तनत काल में केवल एक ही, ये दो वंश बचे थे तो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, तो सल्तनत काल कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि हमने जीएस पेपर जो सोल्यूशन है उसमें केवल एक ही पेपर का सोल्यूशन बचा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैराथन क्लासेज एक पर्टिकुलर सारी चीजें कंप्लीट हो गई उसके बाद लेने में बेटर भी रहेगा कि मिडवल पर भी हम मैराथन लेंगे, एंशंट पर भी मैराथन लेंगे, तो उसका तनाव मत लीजिए। दूसरा, सीसेट पर मैंने लगभग सारी कक्षाएं ले ली हैं, रिवीजन वाली भी, उसमें यदि हम एक मैराथन क्लास की बात करें तो वह लगभग 7 या 8 तारीख का मैराथन होगा जो सीसेट पर मैराथन के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में हम उसकी बातचीत करेंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि जितने वादे मैंने आप लोगों से किए हैं, जो भी छोटे बड़े, सब वादे पहले पूरे हो। ऐसा ना हो कि YouTube पर मास्टर आया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चला गया, 3 दिन तक बातें फॉलो हुई, चौथे दिन फिर वही कहानी, फिर अगली बार आएंगे, फिर भावुक करेंगे, फिर इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे कि नहीं इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर अगली बार वैसा ही होगा। तो थोड़ा सा, मतलब एक शिक्षक होने के नाते अपने शब्दों का पालन होना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए बस ये खत्म हो जाए। और आज का वीकली करंट अफेयर, क्योंकि पिछले सप्ताह भी नहीं ले पाए थे, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आसानी से हमारी 10 मैराथन क्लासेस आपके सामने रहेगी। दूसरा जो बड़ा कारण है कि हमारी टीम में कई सारे मेंबर इस समय अस्वस्थ हैं मौसम के परिवर्तन के कारण, और परिणाम ये हो रहा है कि जो मैराथन क्लासेस के लिए टाइटल, सीक्वेंस, सारी चीजें चाहिए, कंटेंट चाहिए, वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, हम भी उतना ही ज्यादा तनाव में है जितना कि समय आप महसूस कर रहे होंगे। हम पूरी तरह से इस बात से वाकिफ है कि ये जो समय है बहुत ही क्रुशियल है और इस समय जितना जल्दी हो सके रिविजन को कंप्लीट किया जाए। पर मैं आपको फिर वादा कर रहा हूं कि आप 8 तारीख तक 7 तारीख तक ही देखेंगे कि पूरी तरह से सारी मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आप रिलैक्स हो चुके हैं, तो उसका कोई तनाव मत लीजिएगा। शशिकांत यादव, अगर आप कह रहे हैं कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पर भी हमारी बातचीत होगी, उसका कोई तनाव मत लीजिए। पर अभी एनसीईआरटी पर हम चर्चा नहीं करेंगे, पीटी के बाद ही एनसीईआरटी और जो पेपर 2 पेपर 1 बाकी उस पर चर्चाएं रहेगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल में जो अंतिम 2 वंश बचे हैं, हम कंप्लीट करेंगे उन दोनों वंशों की सारी बातचीत। एग्जाम रस को भी आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कदम कदम बढ़ाए जा और आरंभ है प्रचंड जैसी सीरीज चल रही है। अपनी तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी, सबसे एनर्जेटिक टीम के साथ। स्पेशल क्लास जरूर अटेंड करा करिए। 29 तारीख मतलब बुधवार के दिन, मैं अभी से ही बता दे रहा हूं बुधवार का शेड्यूल, बुधवार जो कि परसों का दिन होगा, 29 तारीख को 3 स्पेशल क्लास रखूंगा मैं, 3 स्पेशल क्लास। सर YouTube पर क्यों नहीं, स्पेशल क्लास पर क्यों? क्योंकि ये जो स्पेशल क्लास होगी वो इंडियन ईयर बुक की क्लास होगी, और ईयर बुक की जो क्लास होगी ये स्पेशल क्लास के रूप में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि PDF आपको डायरेक्टली मिल सके। इसमें PDF बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंडिया ईयर बुक को आप कितना ज्यादा पढ़ पाएंगे, तो जो भी शॉर्ट हमारी इंडिया ईयर बुक है इसके PDF बहुत जरूरी होते हैं। और कई लोग कहते हैं कि सर PDF मिल नहीं रहा है, तो स्पेशल क्लास में जैसी क्लास कंप्लीट होती है 50 मिनट या 1 घंटे के बाद आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 स्पेशल क्लास में लूंगा, 3 भी हो सकता है 4 भी लूंगा। मैं फिर घोषित कर दूं कि बुधवार को शायद कोई भी YouTube पर क्लास ना हो, 3 कंप्लीट क्लास में इंडिया एयर बुक पर लेकर इंडिया एयर बुक को एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे परसों के दिन।
29 सितंबर से बुधवार से कई सारे नए बैच आ रहे हैं, 18 अक्टूबर से भी नया बैच आ रहा है, साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर सिंप्लीफाइड, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने आपको बताया था कि डेली करंट अफेयर जिस तरीके से बर्डन के रूप में हो जाता है, कई तरीके के मास्टर भावुक होकर आपको पीएचडी की ओर भी प्रेरित कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि जो वीकेंड करंट अफेयर होगा वो ज्यादा आपको इजी जाएगा रिवाइज करने में भी, और इसीलिए अनएकेडमी ने वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच भी तैयार किया है। अगर हम देखेंगे कि जो जॉब वाले लोग होते हैं उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है वीकेंड वाला, एमके लाइव रिफर कोड आप प्लस आइकॉनिक दोनों प्रकार के सब्सक्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, पर्सनल कोच मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का अलग से ऑप्शन होता है, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में भी आप एमके लाइव रिफर कोड यूज कर सकते हैं। 22 अक्टूबर से हम लेकर आ रहे हैं कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जिसमें हम तैयारी करेंगे कंप्लीट 1750 अंकों की, ऑप्शनल पेपर में हम दो ऑप्शनल की तैयारी कराएंगे पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। डियर एस्पिरेंट, मैराथन क्लास में कुछ विलंब होने के लिए खेद है, कंटेंट टीम एमके लाइव टीम द्वारा निरंतर मैराथन क्लास को तैयार करने में पूरा समय दिया जा रहा है, कल से निरंतर प्रतिदिन दो दो मैराथन क्लास रहेगी, परसों तीन रहेगी ताकि इंडिया एयरबुक को कंप्लीट किया जा सके। आप सभी की भारी डिमांड पर PT 365 PT 365 ये अंतिम रूप से करंट अफेयर रहेगा, ये अंतिम रूप का करंट अफेयर रहेगा जिसमें हम पहला सब्जेक्ट कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस पांचवा क्लास होगा 365 का, ताकि 365 भी कवर हो जाए, तो इंडिया एयरबुक कवर हो जाएगा, 365 कवर हो जाएगा, और फिर हम आ जाएंगे सब्जेक्ट के मैराथन क्लासेस पर, जिसमें डेली दो दो क्लासेस भी अगर ले लिया जाए तो बड़े मुश्किल से 4 से 5 दिनों में पूरी मैराथन क्लासेस कवर हो जाएगी। तो आप केवल और केवल पेशेंसली अपने रिवीजन को चलने दीजिए, पढ़ते रहिए, तनाव मत लीजिए उसका, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए हम वापिस शुभारंभ कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने अपनी पुरानी या पिछली कक्षाओं में आप लोगों को अवगत कराया था कि इतिहास तीन प्रकार का होता है। एक वो इतिहास जिसके बारे में ना कोई प्रमाण है, ना कोई जानकारी है, और ना ही किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य हमारे पास है, हम उसे कहते हैं कि भाई केवल एक अनुमान के आधार पर हम कुछ चीजों के बारे में विश्लेषण कर पाते हैं। ऐसे इतिहास को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जैसे कि पाषाण काल जो स्टोन पीरियड है वो इसी तरीके का एक इतिहास है जिसके बारे में हमारे पास कोई भी सामग्री नहीं है। एक दूसरा ऐतिहासिक काल होता है जिसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारे पास जानकारी तो है लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत यही है कि हमारे पास उसकी लिपि भी है लेकिन हम अभी तक उसको पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिक या ऐतिहासिक, उसकी खासियत ये होती है कि वहां पर आपके पास लिखित सामग्री भी होती है, आप उस भाषा को पढ़ना भी जानते हैं और बेहतर तरीके से उस समय के सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो वो इतिहास जिसके बारे में कुछ भी नहीं हमारे पास वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में है लेकिन पढ़ नहीं पाए वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल, और जिसके बारे में सब कुछ है वो कहलाएगा ऐतिहासिक काल। जैसे कि हमने शुरुआत, ये जो स्टोन पीरियड है ये तो पढ़ाया नहीं है, अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन भारत के इतिहास में इसको कंप्लीट कर लिया था, फिर इसके बाद ऋग्वेदिक काल, वहां से ऐतिहासिक काल शुरू हो जाएगा क्योंकि ऋग्वेदिक के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी है, कई प्रकार के साहित्य अवेलेबल हैं जिन्हें हम पढ़ सकते थे, तो ऋग्वेदिक काल से एक तरीके से ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने आपको यह बताया था कि हमारे इतिहास को, भारत के इतिहास को तीन भागों में हम पढ़ते हैं,
एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक उपनिवेशिक भारत का इतिहास, जिसे आधुनिक भारत कहना थोड़ा गलत है क्योंकि आधुनिकता तब कहेंगे जब वहां कोई आधुनिकता हो, अप्रत्यक्ष रूप से देखे तो हम तो गुलाम थे। आधुनिक भारत तो तब होगा जब 1947 में भारत का आजादी कंप्लीट होगा। तो हमने इसमें बातचीत की थी कि जो मिडवेल हैं, जो मध्यकालीन हैं, वो 712 से माना जाता है। 712 से क्यों भाई? क्योंकि मिडवेल में या 712 के इस टाइम में पहली बार मीर कासिम भारत पर विजय प्राप्त कर पाता है, वो अपना शासन स्थापित नहीं करता, लूटपाट के दृष्टिकोण से आता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये पूर्व मध्यकालीन भारत है, प्री मिडवेल का टाइम कहते हैं। लेकिन 1192 में जब तराइन के दूसरे लड़ाई में हार होती है पृथ्वीराज सिंह चौहान की, तब हम कहते हैं कि भारत में मध्यकालीन इतिहास का शुभारंभ होता है। आइए एक नजर देख लेते हैं, 712 से लेकर 1192 को हम प्री मिडवेल कहेंगे, जिसमें आक्रमण होते रहेंगे, लूटपाट होती रहेगी, लेकिन भारत पर कोई भी विदेशी सत्ता का स्थापना नहीं होगी। और उत्तर मध्यकालीन भारत, जिसे हम कह सकते हैं कि वो 1192 से लेकर 1757 तक चलता है। और 1192 क्यों भाई? क्योंकि हमने आपको बताया कि यहां पर एक विदेशी व्यक्ति, या हम कह सकते हैं कि तुर्की और अफगानिस्तान लोगों के जो भी वंशज रहे हैं, उनका शासन भारत में स्टैब्लिश होता है। साथ ही साथ 1757 तक ही क्यों? क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई होगी और इस प्लासी की लड़ाई में बंगाल का नवाब हारेगा। जब बंगाल के नवाब की हार होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक यूरोप जैसे इतने दूर वाली जगह से कोई भारत में शासन करने नहीं आया, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही ब्रिटेन के हाथ में सत्ता जाएगी। तो हम कहेंगे कि एक नया युग शुरू होगा, एक नया काल शुरू होगा। इतिहास को पढ़ने का सरलीकरण करने में हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम शुरुआत करने जा रहे दिल्ली सल्तनत काल की, जो कि उत्तर मध्यकालीन भारत में 1192 से शुरू होता है। 1192 से जो दिल्ली सल्तनत काल होता है, वह लगभग हम कहेंगे कि शुरुआत एग्जैक्टली मानी जाएगी 1206 से। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है, गौरी की मौत होती है, फिर उसके गुलामों को वह अपना शासन बांटता है और फिर दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करने 1206 से आते हैं। तो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल आता है और उसके उसमें 5 वंश आते हैं। सबसे पहला गुलाम वंश, क्योंकि एक तरीके से गुलाम होते हैं, गुलाम को अफगानिस्तानी लैंग्वेज में मामलुक वंश भी कहते हैं, इलबरी इनकी जाति होती है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तुगलक वंश तक अभी तक हमने सारी बातें कर ली, आज हम सैयद और लोदी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। गुलाम वंश को इस्टैब्लिश किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। खिलजी वंश की जो इस्टैब्लिशमेंट जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, तुगलक को गयासुद्दीन तुगलक ने, सैयद वंश को खिजर का और लोदी वंश को बहलोल लोदी ने स्थापित किया था। गुलाम वंश 1206 से 1290 चलता है और इस गुलाम वंश में हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है, उसका नया गुलाम, उसकी बेटी रजिया सुल्तान, उसका बेटा मुइजुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन जो कि सबसे सफल माना जाता है, और फिर शमसुद्दीन क्यूमर्श उसका पोता होता है क्योंकि बेटे की तो मौत है। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तुगलक वंश में हमने देखा था कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक शाह, फिर उसके बाद तो कुछ ज्यादा नहीं, कोई एक साल के लिए, डेढ़ साल, दो साल के लिए रहता है, अबू बकर, नसीरुद्दीन, मोहम्मद, हुमायूं, ये हुमायूं वो हुमायूं नहीं है जो बाद में आएंगे, नसीरुद्दीन महमूद, ये सभी कुछ तुगलक वंश के शासक होते हैं। आज हम इस जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो है सैयद वंश, जो 1414 में स्टैब्लिश होगा और 1451 तक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तुगलक के दौर में क्या घटनाक्रम हो गया था, तो तुगलक शासन धीमे धीमे इतना कमजोर हो गया था
कि इसके अंतिम शासक गुजरात भाग गए थे जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तब दौलत खान यहां पर एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे। तब ये खिज्र खां तैमूर को आमंत्रित करता है भारत पर हमला करने के लिए, क्योंकि तैमूर भी बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक रहा है जो केवल लूटपाट करने के दृष्टिकोण से आता था। इतिहास में चंगेज खान के बाद यदि सबसे ज्यादा हत्याओं का रिकॉर्ड किसी के हाथ में है तो तैमूर लंग भी है। मतलब एक तरीके से कहे तो बहुत ज्यादा हत्याएं। कहा जाता है कि अगर कोई भी सैनिक या सेनापति इसका किसी शत्रु पर दया दिखा दे तो वो अपने सैनिक या सेनापति को भी मार डालता था, इस तरीके का हम कह सकते क्रूर स्वभाव का। और ये कोई ऐसा नहीं तैमूर की बहुत ज्यादा धर्म देखता था, ये केवल और केवल लूटपाट और हत्याओं को ज्यादा से ज्यादा अंजाम देना पसंद करता था। आइए सभी लोग टाइम मशीन का आनंद लीजिएगा, सभी लोग टाइम मशीन में बैठ जाइए। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के उस काल में जब तुगलक वंश के अंतिम शासक हमें दिखाई देंगे कि कैसे कमजोर हो रहे हैं, और हम देखेंगे कि किस तरीके से खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करेगा। जो घटनाक्रम खिज्र खां कर रहा है वही घटनाक्रम उसके आने वाली पीढ़ियों के साथ होगा, और फिर बहलोल लोधी भी कुछ ऐसा ही कदम उठाएगा। तो जानने की पहले कोशिश करते हैं कि तुगलक के दौरान क्या क्या घटनाक्रम हुए ताकि दिक्कतें हुई, कमजोर हुआ दिल्ली का सल्तनत, और दिल्ली कमजोर हुई तो इसका फायदा तैमूर लंग ने उठाया, इसका फायदा खिज्र खां ने भी उठाया। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उस दौर घटनाक्रम हो रहा था कि हम कह सकते हैं कि इस दिल्ली सल्तनत काल पर एक नए वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पिछली तीन कक्षाओं में हमने पढ़ा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में पहली बार अरब विजय होती है, अरब के लोग विजय प्राप्त करते। 712 में मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में पहली अरब विजय होती। इसके बाद महमूद गजनवी भारत में लूटपाट के उद्देश्य से कई बार आक्रमण करने आता है, लेकिन कोई अपना सत्ता अपनी साम्राज्य को यहाँ भारत तक नहीं लेकर आता है। इसके बाद भारत पर मोहम्मद गौरी द्वारा लूटपाट के साथ साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया जाता है। इस क्रम में 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त होता है। मोहम्मद गौरी स्वयं भारत पर शासन नहीं करते हुए अपने निष्ठावान गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपकर चला जाता है। चला क्या जाता है, उसकी मौत होने के बाद कोई वंशज नहीं था तो तीन गुलामों को उसने अपनी पूरी की पूरी साम्राज्य बांट दिया था। तो दिल्ली या हम कह सकते हैं कि मुल्तान तक का जो क्षेत्र था, पाकिस्तान के मुल्तान तक का, वो ऐबक के नाम आया था। हमने पढ़ा था कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर डायरेक्टली दिल्ली से शासन नहीं किया था, इल्तुतमिश होता है जो वास्तविक रूप में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा या दिल्ली को राजधानी बनाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना होती और यह क्रम 1290 तक चलता है। 1290 में गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्श की मृत्यु के साथ ही गुलाम वंश का समापन होता है और दिल्ली सल्तनत में खिलजी या खलजी वंश का उदय होता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है 1290 में, और इसका अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह होता है। खिलजी वंश के अंतर्गत पहली बार साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से दक्षिण भारत के संबंध में सफल विजय अभियान आयोजित किए जाते हैं और दिल्ली सल्तनत के क्षेत्राधिकार में अब दक्षिण भारत भी शामिल हो जाता है। अंतर्गत पहले तो सम्मिलित नहीं किया गया। अंततः 1320 में गाजी मलिक के साथ हुए युद्ध में नसीरुद्दीन खुसरो शाह हारता है और गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की राजगद्दी पर शासन प्रारंभ करता है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में खिलजी वंश समाप्त होता है और तुगलक वंश का प्रारंभ होता है। तुगलक शासक के प्रारंभिक लगभग 70 वर्षों में सैन्य के साथ प्रशासनिक स्थिति मजबूत रहती है, क्योंकि इस दौरान गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जैसे ज्यादा योग्य सुल्तान शासन करते हैं। किंतु 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश में कोई योग्य उत्तराधिकारी के अभाव में कमजोर हो जाता है और 1413 में पंजाब का सूबेदार खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना होती है।
मतलब जिस दौर में तुगलक वंश था, ये जो हिजर खा है इसको पंजाब का सूबेदार घोषित किया गया था। पर ये क्या करता है कि तैमूर लंग को आमंत्रित करता है, मतलब धोखा देते हुए, और तैमूर लंग के साथ लूटपाट भी करता है। साथ ही साथ तैमूर इसको खुश हो जाता है क्योंकि लूटपाट बहुत ज्यादा की थी तैमूर ने, तो खिजर खा को पूरे क्षेत्र का सेनापति बना देता है। अब ऐसे अगर देखा जाए तो अब आप देख सकते माहौल कैसा है। तैमूर आया, हमला किया, लूटपाट करके चला गया, क्योंकि उसको भारत में शासन करना तो था ही नहीं। अब वो सेनापति हैं खिजर का, लेकिन वो डायरेक्टली अब दिल्ली की राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि तैमूर लूटपाट जब करने आता है तो दिल्ली का जो सुल्तान है वो गुजरात भाग जाता है। तो अभी भी डर है कि भाई दिल्ली में वापिस सुल्तान का आक्रमण हो सकता है, उसको मानने वाले लोग उसके खिलाफ जा सकते हैं खिजर खा के। दूसरा डर खिजर खा को यह था कि कहीं मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो तैमूर मेरी ही हत्या ना कर दे, क्योंकि ये कोई सही आदमी तो है नहीं। आज मुझसे खुश है, कल कहेगा कि तुमने, मतलब मैंने उस चीज को जीता और डायरेक्टली तुम सुल्तान बन गए बगैर मेरी अनुमति के। वैसे खिजर खा की एक अच्छी बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद खिजर खां दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पर बैठता जरूर है, लेकिन अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाता है, अपनी तारी पे नहीं पढ़ाता है वो, क्योंकि वो अपने आप को सुल्तान नहीं मानता है, बल्कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो अपने आप को सुल्तान मानेगी। तो खिजर खां एक दूसरा ऐसा दिल्ली सल्तनत काल का शासक है जो अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाएगा, अपनी तारी पे नहीं पढ़वाएगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा किया था। लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी फिर दिल्ली सल्तनत पर एक तरीके से सुल्तान की उपाधि भी धारण करेगी। तो आप लोगों ने थोड़ा बैकग्राउंड अगर समझ लिया होगा तो आपको पता चल रहा है कि तुगलक के दौरान जब शासन कमजोर हुआ तो फिर आक्रमण लूटपाट के नजरिए से होता रहा। तो सैयद वंश की स्थापना 1414 में फिर वो कब करता है? फिर आप कहेंगे कि सर ठीक है, फिर इसने 1414 में सैयद वंश कब बनाए? जब तैमूर की उधर मौत हो गई, तैमूर मर गया, प्राकृतिक रूप में तैमूर की मौत हुई। इधर दिल्ली की राजगद्दी का जो अंतिम शासक था उसकी भी प्राकृतिक रूप में मौत हो जाती है, तो एक तरीके से अब खाली पड़ा हुआ है, यही इकलौता शक्तिशाली बच गया था। तो दिल्ली की राजगद्दी इसको एक तरीके से अपने आप मिल जाती है। तो अब जब कोई बचा ही नहीं, शून्य की स्थिति निर्मित हुई है, तो फिर सैयद वंश की स्थापना होगी। सैयद वंश की स्थापना तैमूर लंग के सेनापति खिजर खा के द्वारा की गई। वस्तुतः सैयद एक परिवार आधारित वंश था जो स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर का वंशज मानता था और अपने आप को उच्च कोटि का। आज भी हमारे देश में जो सैयद लोग होते हैं ना, वो हायर, जैसे मैं आपको बता दूं एक चीज, शायद आपने महसूस ना की हो, पूरे विश्व में किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में अपर और लोअर कास्ट नहीं है, पर जो भारतीय उपमहाद्वीप से जो मुस्लिम राष्ट्र बने हैं, फिर वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां पर मुस्लिमों में अपर और लोअर कास्ट है। कास्ट मतलब एक तरीके से उनमें भी उच्च और निम्न लोग, जबकि मुस्लिम धर्म का जो उदय हुआ था या जो प्रसार हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था कि सब समान है। लेकिन भारत का आप कहेंगे कि सांस्कृतिक प्रभाव था कि वहां पर अपर और लोअर क्लास हो जाती है। भारत में आप अगर मुस्लिम परिवार से परिचित होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जैसे कि हिंदुओं में कई बार कुछ लोग नहीं है आज भी गंदी मानसिकता वाले, संकीर्ण मानसिकता वाले कि हम उनके हाथ का नहीं पानी पिएंगे, ऐसी विचारधारा वाले, तो ऐसे मुस्लिम धर्म में भी हैं जो आज भी इस तरीके की विचारधारा को अपनाते। तो सैयद ये अपने आप को बहुत ही अपर क्लास का मानते हैं, अपर कास्ट का मानते हैं, ये मानते हैं कि सीधा वो उन्हीं के वंशज हैं। और सैयद वंश सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश है, एकमात्र शिया वंश है, बाकी सभी सुन्नी आते हैं। हम कभी चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दौरान कि शिया और सुन्नी में किस तरीके का मतभेद है, लेकिन याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत काल में केवल सैयद ही इकलौता शिया वंश है, जबकि सभी शेष सुन्नी शाखा से संबंधित है। तो आइए जरा तैमूर लंग के बारे में भी थोड़ी जानकारी जुटा लेते, क्योंकि ये जनाब भी बीच बीच में आते रहे हैं। चंगेज खान के बाद तैमूर लंग,
तैमूर लंग 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया से लेकर भारत तक फैला हुआ था। मतलब हम उस दौर का अगर हम इस समय वर्तमान में कंपैरिजन करेंगे तो हमारा जो मिडिल एशिया है या जो वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया है, जहां पर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उस क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो वहां का यह शासक है। तैमूर लंग के द्वारा तैमूरी राजवंश की स्थापना की गई। एक पैर से लंगड़ा होने के कारण इसे तैमूर लंग कहा जाता है। तैमूर इस्लाम धर्म का अनुयायी था। सिकंदर तथा चंगेज खां की तरह वैश्विक विजय की महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। अपने वैश्विक विजय के इस अभियान में तैमूर लंग ने पश्चिम एशिया से लेकर भारत की सीमा तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसके बाद तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई, किंतु इसके प्रमुख अधिकारियों ने तैमूर की इस नीति का समर्थन नहीं किया। इसके बाद मतलब पहले तो तैमूर चाहता था कि भारत पर भी शासन करना है हमें, लेकिन इसके जो कई सारे अधिकारी थे उन्होंने कहा कि भी शासन ना करिए। तो इसके बाद तैमूर लंग ने कूटनीति का परिचय देते हुए भारत पर अपने आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म के प्रसार को बताया। साम्राज्यवादी व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अपने आप को विश्व विजेता घोषित करना चाहता था। लेकिन इसके जो भी बड़े बड़े सेनापति रहे होंगे उन्होंने कहा कि नहीं, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो बहुत अपने आप में एक अलग क्षेत्र है, क्योंकि उस समय भारत की ख्याति तो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया तक पहुंची हुई थी। तो ये फिर धर्म के नाम पर उन्हें मनाता है कि भी हमें इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। इससे तैमूर के प्रमुख सेनापति और अधिकारी सहमत हो गए और 1398-1398-99 में भारत पर इन्होंने आक्रमण किया। यह आक्रमण मुख्यतः मुल्तान के क्षेत्र तक केंद्रित था और इस आक्रमण के दौरान व्यापक स्तर पर लूटपाट की और निर्दोष लोगों की हत्याएं की। इसके बाद तैमूर लंग आगे बढ़ते हुए दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। इस दौरान पानीपत के क्षेत्र में तैमूर लंग की सेना और तत्कालीन तुगलक सुल्तान महमूद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें तैमूर लंग की जीत हुई और सुल्तान महमूद अपनी जान बचाकर गुजरात भाग गया। इसके बाद तैमूर लंग ने दिल्ली में प्रवेश कर व्यापक मात्रा में लूटपाट और निर्दोष लोगों की हत्याएं की। अनेक स्त्रियों और शिल्पियों आदि को भी गुलाम बनाकर अपने साथ समरकंद ले गया और समरकंद में अनेक इमारतें बनवाई। तो तैमूर वंश में तैमूर लंग एक तरीके से लुटेरा, लुटेरा मतलब वर्तमान में हम कह सकते डाकू की प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्योंकि मुझे मतलब कोई संकोच नहीं है ऐसे व्यक्ति को डाकू कहना, क्योंकि एक साम्राज्य विस्तार करने आ जाइए तो राजा बनिए, प्रजा पर अब आप अपना शासन चलाइए, लेकिन आप साम्राज्य भी नहीं चाहते हैं पर निर्दोषों की हत्या करना चाहते हो, तो ये केवल और केवल हम कहेंगे कि लूटपाट और डकैती जैसे काम करने के लिए जाने जाएंगे। अपने आक्रमण के दौरान तैमूर लंग ने कई मंदिरों को नष्ट किया और गैर इस्लाम अनुयायियों की हत्या की। तैमूर लंग के बारे में प्रचलित है कि यह लोगों की हत्या करवा कर उनके कटे सिरों की दीवार बनवा देता था। तैमूर लंग इतना निर्दयी था कि इसने तलवार के दम पर लगभग समस्त मध्य एशिया में इस्लाम का प्रसार किया। अपने भारत आक्रमण के दौरान तैमूर लंग ने मुल्तान, दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर पर भी आक्रमण किया। लगभग अपने एक वर्ष के इस आक्रमणकारी काल के दौरान तैमूर लंग ने भारी मात्रा में धन, स्त्रियां, गुलाम, शिल्पियां इत्यादियों की लूट की तथा मंदिरों को नष्ट किया। और इसी तैमूर लंग का फिर खिजर खां ने ही तो बुलाया था, वास्तव में तैमूर लंग को खिजर खां ने आमंत्रित किया था। तो खिजर का सेनापति बनाया जाता है मुल्तान के क्षेत्र का जब तैमूर लौट जाएगा तो। लेकिन खिजर खां जानता है कि दिल्ली की राजगद्दी खाली पड़ी है, क्योंकि 1398-99 एक साल की तो बात है, लेकिन खिजर खां इंतजार करेगा 15 साल तक। 1414 में वो दिल्ली का सुल्तान बनेगा, मतलब दिल्ली सल्तनत काल में सैयद वंश की स्थापना करेगा। भारत से वापस लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर और दीवालपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। खिजर खां के द्वारा तैमूर लंग और उसके पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में इन क्षेत्रों का प्रशासन किया। किसका पुत्र? तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख था। और नियमित तौर पर भी कर भी भेजा, मतलब तैमूर लंग ने यहां से टैक्स कलेक्ट करके खिजर खां ने टैक्स कलेक्ट करके तैमूर लंग और उसके बाद उसके बेटे को भी भिजवाया था। तुगलक वंश के अंतिम सुल्तानों के शासनकाल के दौरान खिजर खां पंजाब प्रांत का सूबेदार था। जब महमूद खां था तो उसे सूबेदार बनाया ही गया था,
लेकिन ये फिर तैमूर लंग को आमंत्रित करता है और माना जाता है कि तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण और सहायता प्रदान करने में इसी ने भूमिका निभाई थी। चूंकि तैमूर लंग और खिज्र खा दोनों इस्लाम धर्म की शिया शाखा से संबंधित थे जबकि तुगलक वंश सुन्नी शाखा से संबंधित थे, अतः तैमूर लंग और खिज्र खा में वैचारिक और महत्वाकांक्षा के स्तर पर एक रूपता थी। तो ये जो शिया हैं, तैमूर भी शिया का ही माना जाता है। इसके अलावा तुगलक वंश इस समय अपनी शक्तियों के पतन के दौर में था। उत्तर भारत के कई प्रांत में दिल्ली का केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो चुका था। इस राजनीतिक परिस्थिति ने भी तैमूर लंग को भारत पर आक्रमण करने के लिए एक अनुकूल अवसर प्रदान किया। अब ये जो दौर है जिस दौरान एक्चुअल में महमूद तो भाग गया गुजरात, तो दिल्ली के सल्तनत में या दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश चल रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में कोई शासक नहीं है, शून्य है स्थिति। सोचिए 15 सालों तक बिना किसी शासक के शासन चलता रहा और कई जगह हमने देखा है कि एक एक साल में ही शासक को मार दिया जाता था। तो ये समय समय की बात है, कभी कभी बिना शासक के भी समय पास हो जाता है और कभी कभी कई सारे शासक उन वर्षों में समाप्त कर दिए जाते हैं। 1399 ईस्वी में तैमूर लंग अपने देश समरकंद वापस लौट जाता है और मुल्तान जैसे क्षेत्र का प्रशासक खिज्र खा को नियुक्त कर देता है। इसके बावजूद 1414 तक दिल्ली का शासन तुगलक वंश के नाम पर होता रहता है, जबकि तत्कालीन तुगलक सुल्तान महमूद तैमूर लंग के आक्रमण के समय अपनी जान बचाकर गुजरात की ओर भाग जाता है। तैमूर लंग द्वारा महमूद तुगलक का पीछा नहीं किया जाता क्योंकि तैमूर का प्रमुख उद्देश्य भारत में लूटपाट करना था। महमूद तुगलक अपनी प्राकृतिक मृत्यु के समय 1414 तक गुजरात में ही रहता है, तो ये भी 1414 तक जिंदा रहता है। इस समय तक दिल्ली में शासन का संचालन दौलत खां नामक एक अफगान द्वारा महमूद तुगलक के नाम पर किया जाता है। दौलत खां महमूद तुगलक का विश्वास पात्र और सेना में उच्च पद पर आसीन था। तो दौलत खां महमूद तुगलक के नाम पर शासन कर रहा है, शासन मतलब उसी के अंडर में अभी भी काम कर रहा है क्योंकि अभी भी वो जिंदा है, तुगलक वंश का अंतिम शासक। अब यहां दो प्रश्न उल्लेखनीय है कि दौलत खां स्वयं दिल्ली का सुल्तान क्यों नहीं बना, खिज्र खां महमूद तुगलक की मृत्यु के बाद ही दिल्ली का सुल्तान क्यों बना, जबकि वो चाहता तो 1399 में ही दिल्ली का सुल्तान बन सकता था। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि दौलत खां जानता है कि यदि वह दिल्ली का सुल्तान बन भी गया तो अभी भी तैमूर लंग के आक्रमण की संभावनाएं पूरी तरह से रहेगी। दूसरा, वो जानता है कि कई सारे मेरे विरोधी भी हैं, जो शायद विरोधियों में खिज्र खां हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं दौलत खां के साथ युद्ध कर लेता और फिर सुल्तान बनने का प्रयास करता। तो दौलत खां जानता है कि भी शासन करने में कुछ रखा नहीं, कुछ लोग होते हैं सन्यासी प्रवृत्ति के, उन्होंने कहा भी जान ज्यादा जरूरी है, इस जिंदगी और मौत की लड़ाई में ढंग से कुछ पल जी लेते हैं। तो दौलत खां कुछ इसी तरीके का व्यक्ति रहा होगा। हाँ, लेकिन जो दूसरा व्यक्तित्व है कि खिज्र खां ने आखिर दिल्ली का सुल्तान क्यों नहीं बना 1399 में, तो उसके पीछे का रीजन भी यही है। दौलत खां स्वयं दिल्ली का सुल्तान क्यों नहीं बना, वस्तुतः दौलत खां तत्कालीन परिस्थिति से भलीभांति परिचित था। एक तो इस समय तैमूर लंग के पुनः आक्रमण का भय था, दूसरा यदि वह दिल्ली का सुल्तान बन जाता न केवल तैमूर लंग से प्रत्यक्ष उसकी शत्रुता हो जाती बल्कि उत्तर भारत के अन्य प्रांतों के द्वारा भी विद्रोह की संभावना होती। इसके अलावा दौलत खां महमूद तुगलक का विश्वास पात्र भी था। तैमूर लंग की लूटपाट के कारण भय की परिस्थितियां विद्यमान थी और आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि सम्राट बन जाने से कुछ बहुत फायदा होगा। दिल्ली का वास्तविक सुल्तान स्वयं भागकर गुजरात में शरण लिए हुए था। एक अन्य कारण यह भी था कि समस्त राजनीतिक प्रशासनिक आर्थिक सैन्य शक्तियां वास्तविक रूप से दौलत खां के हाथ में ही थी, अतः सुल्तान बनने का कोई विशेष औचित्य था ही नहीं। मतलब नाम वास्तविक रूप में सब कुछ तो दौलत खां ही कर रहा था, तो सुल्तान अपने आप को घोषित करने की जरूरत है कहां पर जब आप सारे निर्णय खुद ही ले रहे थे। इन सभी कारणों के आधार पर दौलत खां ने स्वयं सुल्तान बनने के बजाय तुगलक सुल्तान के नाम पर शासन व्यवस्था को संचालित किया। अब खिज्र खां दिल्ली का सुल्तान क्यों नहीं बना, यद्यपि खिज्र खां ने तैमूर लंग की सहायता की थी किंतु वह तैमूर लंग की क्रूरता से भलीभांति परिचित था।
क्योंकि तैमूर द्वारा मुसलमानों के प्रति भी उतनी ही निर्दयता प्रकट की जाती थी जितनी कि गैर मुसलमानों के प्रति। यही कारण था कि खिज्र खां के द्वारा मुल्तान का प्रशासन वस्तुतः तैमूर लंग और उसके पुत्र शाहरुख खां के प्रतिनिधि के रूप में किया और नियमित तौर पर कर की अदायगी की जाती रही। तैमूर लंग के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के उद्देश्य से खिज्र खां ने तैमूर उसके पुत्र के नाम का खुतबा भी पढ़वाया, मतलब खुतबा मतलब तारी पे पढ़वाना मस्जिद में। खिज्र खां को भी तैमूर लंग द्वारा पुनः भारत पर आक्रमण किए जाने की आशंका थी और सुल्तान बनने पर सीधी शत्रुता तैमूर लंग से हो जाती। इसके अलावा खिज्र खां को तैमूर लंग ने एक बड़े भौगोलिक भाग का प्रशासक नियुक्त कर दिया था और दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण का खिज्र खां को कोई भय नहीं था। इसी कारण से एक कारण यह भी था कि खिज्र खां में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कोई लालसा नहीं थी, विशेषकर सुल्तान बनने के प्रति उसको कोई विशेष रुचि नहीं थी, क्योंकि अगर वो सुल्तान बनना चाहता तो जब 1414 में वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है तब भी वो सुल्तान का पद धारण नहीं करता। उसे सुल्तान नहीं बनना था लेकिन पैसा चाहिए था, उसको पैसा बहुत प्यारा था। यही कारण था कि जब 1414 ईस्वी में खिज्र खां दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। अंततः 1399 में जब महमूद तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो खिज्र खां स्वयं दिल्ली के सुल्तान के पद पर 1399 में नहीं 1414 में, क्योंकि इस समय तैमूर लंग की भी मृत्यु हो चुकी होती है। तो 1414 में फाइनली जब महमूद तुगलक मरता है उधर तैमूर लंग की भी मौत हो गई, तो उसके लिए अब कोई डर नहीं रहा और वो फाइनली दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है। ये जनाब है तैमूर लंग। तैमूर लंग एक शक्तिशाली क्रूर और वैश्विक विजय की भावना से प्रेरित, किंतु उसकी मृत्यु एक साधारण से जुकाम के कारण हो जाती है। ये भी देखिए जिसने दुनिया वालों को किस तरीके से मौत के घाट उठाया, केवल सामान्य जुकाम से। माना जाता है कि अपने जीवन काल में तैमूर लंग ने 1 करोड़ से अधिक लोगों की हत्याएं की थी। तो आइए देखते हैं खिज्र खां 1414 से 1421 तक सैयद वंश का शासन काल कैसे चलाता है। सैयद वंश का संस्थापक रैयत आला की उपाधि तैमूर लंग के द्वारा उसे दी गई थी, रैयत आला। तुगलक वंश की व्यवस्था के आधार पर ही प्रशासन का संचालन करता है। 1421 में प्राकृतिक कारणों से खिज्र खां की मौत होती है और खिज्र खां की मृत्यु पर सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। अब उसका बेटा आएगा मुबारक शाह और वह इस पूरे के पूरे सल्तनत काल में फिर से वही पैटर्न अपनाएगा, सुल्तान बनेगा, खुतबा पढ़वाएगा, अपने नाम के सिक्के चलाएगा। कहानी अब फिर से अपने महत्वाकांक्षाओं की शुरू होगी। खिज्र खां का पुत्र सैयद वंश का पहला शासक, आप कहेंगे पहला क्योंकि उसने खिज्र खां ने अपने आप को सुल्तान माना ही नहीं था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, विदेशी स्वामित्व का अंत किया, शाह की उपाधि भी धारण की, यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर की स्थापना की, हिंदू के प्रति उदार नीति का अनुसरण करने वाला सुल्तान। प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सर हिंदी को इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था। मतलब इस दौर में ये जो सर हिंदी जाने जाने वाले बहुत ही प्रमुख इतिहासकार थे उस दौर के, याहिया बिन अहमद सर हिंदी को इनके दरबार में संरक्षण प्राप्त था। सर हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख़े मुबारक शाही। फारसी भाषा के अनुसार मुबारक शाह का काल अशांति और विद्रोहों का काल था और पूरे शासन काल विद्रोह को दबाने में व्यतीत हो गया। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है, सबसे बेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट माना जाता है ये सैयद वंश में मुबारक शाह। फिर आते हैं मोहम्मद 1434 में मोहम्मद शाह। मुबारक शाह का दत्तक पुत्र मूल नाम मोहम्मद बिन फरीद खां वजीर सरवर उल मुल्क की सहायता में शासन किया, मतलब शासन में उस दौर में वह वजीर के पद पर थे। इसके शासन काल में दिल्ली पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, जिसे रोकने के लिए मोहम्मद शाह ने अपने अधिकारी बहलोल लोदी से सहायता मांगी थी। बहलोल लोदी को खां ने जहां की उपाधि दी गई थी। तो मुबारक शाह का जो दत्तक पुत्र था मोहम्मद बिन, ये शासन करता है मोहम्मद शाह के नाम से
और जब उस पर हमला होता है, दिल्ली पर मालवा के शासक महमूद खिलजी जब आक्रमण करता है, मालवा का शासक महमूद खिलजी, ये बहुत अलग खिलजी है, वो खिलजी डायनेस्टी अलग थी, अलग खिलजी है, तो आक्रमण किया, जिसे रोकने के लिए मोहम्मद शाह ने अपने अधिकारी बहलोल लोदी से सहायता मांगी। बहलोल लोदी को खान ने जहां की उपाधि भी दी। मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान ही बहलोल लोदी का उदय और वास्तविक रूप से सैयद वंश का पतन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मोहम्मद शाह हैं, वह बहलोल लोदी को अपना पुत्र मानता है, लेकिन तकलीफ यही है कि यही पुत्र तकलीफ देगा, क्योंकि अधिकांश प्रांतों ने स्वयं को दिल्ली की संप्रभुता से लगभग स्वतंत्र कर लिया था और बहुत ही कमजोर हो गया था इस दौर में। अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह का पुत्र, आलम शाह की उपाधि ग्रहण की, विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपने प्रमुख वजीर हमीद खां से गतिरोध होने के कारण हमीद खां ने बहलोल लोदी को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। तो मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को पुत्र मानता था, लेकिन वही पुत्र मोह, अब यदि पुत्र मानता था तो जो योग्य था उसको शासन करने देते, लेकिन योग्य होने के बावजूद भी अपने अयोग्य पुत्र को ही शासन दिया आलम शाह। सो फाइनली बहलोल लोदी हमला करने तो आएगा। ये बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु सुल्तान ने भागकर बदायूं उत्तर प्रदेश में शरण ली और बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन गया। इस प्रकार से सैयद वंश का अंत और लोदी वंश का प्रारंभ हुआ। और जिस हमीद खां ने, जिस वजीर हमीद खां ने बहलोल लोदी को बुलाया था, उस बहलोल लोदी ने हमीद खां की भी हत्या की। इसके बाद बहलोल लोदी ने हमीद खां की भी हत्या करवा दी ताकि वह किसी प्रकार से षड्यंत्र ना कर सके। तो बहलोल लोदी अंतिम रूप में सैयद वंश को समाप्त करते हैं और लोदी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत काल में होती है। अलाउद्दीन आलम शाह की 1476 ईस्वी में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है। चूंकि आलम शाह अयोग्य विलासी प्रवृत्ति का था, अतः बहलोल लोदी का इससे कोई खतरा नहीं था। इसी कारण बहलोल लोदी ने आलम शाह को समाप्त करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए। बहलोल लोदी का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली का सुल्तान बनना था और इस कार्य में उसे सफलता प्राप्त हो चुकी थी। 1451 ईस्वी में जब बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो उसने बदायूं में बैठे अलाउद्दीन आलम शाह को पत्र लिखा कि आपके महान पिता ने मेरा पालन पोषण किया है, मैं खुतबा से आपका नाम हटाए बिना आपके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूं। वैसे बहलोल लोदी ने यह केवल और केवल दिखावा किया था, क्योंकि बहलोल लोदी जानता था कि ये इतना कमजोर और विलासी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, करेगा क्या मेरा। तो कई बार शासन में दिखावा बहुत जगह पर किया गया है। इस पत्र के उत्तर में आलम शाह ने लिखा कि मेरे पिता आपको अपना पुत्र कहकर पुकारते थे, इसलिए आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं बदायूं में ही संतुष्ट हूँ और अपना साम्राज्य आपको दे रहा हूँ। इसके बाद बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण कर पुनः अपना राज्य अभिषेक करवाया। तारीख़े दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही बातचीत अब हो गई। तो उन्होंने भी पत्र लिखा कि भाई मेरे पिताजी आपको अपना बड़ा बेटा मानते थे, तो मैं आपको अपना साम्राज्य सौंपता हूँ, मैं बदायूं में ही खुश हूँ, आप ही साम्राज्य को संभाल लीजिए। तो अंतिम वंश आता है लोदी वंश 1451 से 1526। कौन थे लोदी? मूलतः लोदी अफगानिस्तान के सुलेमान पर्वतीय क्षेत्र के निवासी थे और भारत में मूलतः व्यापारिक उद्देश्यों से आए थे। लोदी वंश वास्तविक रूप में शुद्ध रूप से अफगानी वंश है। इसके पहले वाले तुर्की या मिश्रित थे, पर लोदी शुद्ध रूप से अफगानी है। जैसे कि हमने देखा सैयद शिया है, बाकी सब सुन्नी थे, वैसे ही लोदी शुद्ध रूप से अफगानिस्तान क्षेत्र से आए हुए थे। हालांकि यह भारत कब आए और इसके संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, किंतु संभवतः यह दिल्ली सल्तनत काल में ही भारत आए थे। बाद में तुगलक वंश के शासनकाल, विशेषकर सैयद वंश में वो प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हुए, जिनमें बहलोल लोदी और दौलत खां का नाम उल्लेखनीय है। मूलतः लोदी मिश्रित तुर्क थे और अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले से संबंधित थे। प्रारंभ में लोदी अपनी आजीविका मुख्यतः पशुपालन से चलाते थे, किंतु अपने लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण समीपवर्ती क्षेत्र में लूटपाट भी करते थे।
गुलाम वंश के शासनकाल में कई लोधी अफगान साधारण सैनिकों के पद पर नियुक्त हुए थे। कालांतर में जब सैयद वंश के अंतिम शासकों की शक्तियां छीन हुई तो बहलोल लोधी ने अपनी मजबूत स्थिति और तत्कालीन अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर लोधी वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबा शासन तुगलकों का रहा, लेकिन एक व्यक्ति जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली की राजगद्दी पर शासन किया वह कोई और नहीं, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था तो बहुत ही लंबे समय तक, आप देख सकते हैं 1451 से लेकर तो 1489 तक, मतलब लगभग 38 वर्षों का शासनकाल, 38 ईयर तक एक ही व्यक्ति ने पूरे क्षेत्र में शासन किया। बहलोल लोधी मूलतः अफगानिस्तान के व्यापारिक परिवार में जन्मा था, किंतु कालांतर में अपनी योग्यता विशेषकर तैमूर लंग के संरक्षण में इसने उच्च प्रशासन की स्थिति प्राप्त कर ली। तैमूर लंग ने बहलोल लोधी को पंजाब प्रांत का प्रशासक भी नियुक्त किया था। बहलोल लोधी ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर दिल्ली लोधी वंश की स्थापना करते हुए सुल्तान का पद धारण किया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सल्तनत काल में लोधी पहला अफगान वंश था जिसने शासन किया। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी गाजी की उपाधि को धारण करते हुए दिल्ली का सुल्तान बना था। यहां पर ये तैमूर लंग नहीं है, ये वास्तविक रूप में सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे, क्योंकि वो अपना पुत्र उसे मानते थे, ये सैयद वंश है, यहां पर सुधार दीजिएगा। 1451 में बहलोल लोधी गाजी की उपाधि धारण करते हुए दिल्ली का सुल्तान बनता है। बहलोल लोधी योग्य, युद्ध प्रिय, धार्मिक रूप से सहिष्णु प्रवृत्ति का शासक था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सल्तनत काल में लोधी पहला अफगान वंश था जिसने शासन किया। बहलोल लोधी ने अपने अधिकांश अभियान विद्रोहों का दमन करने के लिए किए, किंतु इन अभियानों का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था। इनमें जौनपुर, दोआब, मेवात, मालवा, ग्वालियर इत्यादि के विरुद्ध किए गए सफल अभियान उल्लेखनीय है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण भारत में हमले के लिए जाता है तो वो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, और यहां पर बहलोल लोधी जब हमला करने जा रहा है तो उस समय दिल्ली इतनी कमजोर हो गई थी कि उसके आसपास के अधिकतर राजाओं ने विद्रोह कर दिया था। वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अब काम नहीं करना चाह रहे थे, वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर चुके थे। तो विद्रोहों को दबाने के लिए और उन विद्रोहियों को वापस दिल्ली में शामिल करने के लिए बहलोल लोधी ने अधिकतर युद्ध किए। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया। बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत निरंकुशता के सिद्धांत पर आधारित ना होकर अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। अफगान सरदारों के प्रति अधिक उदार नीति अपनाने का प्रमुख कारण अफगानिस्तान के अपने कबीले के प्रति निष्ठा और शासन संचालन के लिए उनके सहयोग की आवश्यकता थी। बहलोल लोधी अपने अफगानी सरदारों को मकसदे आलो कहकर पुकारते थे। एक्चुअली में बहलोल लोधी ऐसा नहीं था कि वो सोचता था कि मेरे बेटे या आने वाली मेरी पीढ़ियां ही इस दिल्ली सल्तनत पर शासन करेगी, बल्कि वो ये सोचता था कि पूरे अफगान का कोई भी योग्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो भी दिल्ली सल्तनत पर बैठे तो कोई बुरा नहीं है। अफगानी कल्चर के प्रति उसका अपना एक विशेष आकर्षण है। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई। बहलोल लोधी के सरदारों में राय प्रताप सिंह, राय कर्ण सिंह, राय नर सिंह, राय त्रिलोक चंद्र, राय दादू जैसे कई प्रमुख हिंदू सरदार भी थे। बहलोल लोधी ने बहलोली नामक चांदी का सिक्का प्रचलित किया जो मुगल शासक अकबर के समय तक चला। अंततः जून 1489 में राजस्थान से लौटते समय लू लगने के कारण बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है। अपनी मृत्यु से पूर्व ही बहलोल लोधी ने अपने राज्य का विभाजन अपने पुत्र और अफगान सरदारों में कर दिया था। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो अफगान सरदारों को भी बहुत अच्छा महत्व देते थे। वस्तुतः साम्राज्य का यह विभाजन संप्रभु के रूप में ना होकर एक प्रकार से राज्यपाल और प्रशासकों के रूप में किया गया था, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि बहलोल लोधी ने अधिक विकेंद्रीकृत रूप में प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन की व्यवस्था का प्रारंभ किया। हालांकि यह व्यवस्था सफल नहीं रही, मतलब एक तरीके का संघ बना दिया था,
कि जो अफगान सरदार थे वो राज्यपाल या शासक नियुक्त कर दिए गए थे और अंतिम रूप में अपने पुत्र को वह अंतिम शासक के रूप में स्वीकार करते। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का शासन काल आप देख सकते हैं, कुछ ज्यादा समय नहीं है फिर भी ठीक ठाक है, 11 और 17 28 साल तक है। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था। अपने जीवन काल में बहलोल लोधी ने सिकंदर लोधी का दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित कर दिया था। सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खां था और 1489 ईस्वी में सिकंदर लोधी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। इस समय प्रशासन को यदि हम देखेंगे तो सिकंदर लोधी का शासन काल भी मुख्यतः सैन्य अभियानों में ही बीता, किंतु बहलोल लोधी के विपरीत इसके सैन्य अभियानों का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था, साम्राज्य बढ़ाना था। तुगलक वंश के अंतिम शासकों के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार सिकंदर लोधी के काल में ही हुआ। तो जितने पूरे दिल्ली सल्तनत काल में साम्राज्य विस्तार तुगलकों ने शुरू किया था और अंतिम रूप में ये सिकंदर लोधी, नाम भी सिकंदर शायद इसीलिए रखा होगा। हालांकि यह साम्राज्य विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार से कम था। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने आगरा नामक नगर की स्थापना की, दिल्ली के बजाय आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आर्थिक पक्ष में सिकंदर लोधी ने न केवल साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया बल्कि आर्थिक प्रशासन के संचालन पर भी विशेष ध्यान दिया। सिकंदर लोधी ने भूमि की नाप के लिए गजे सिकंदरी को प्रारंभ किया, मतलब एक मेजरमेंट वाली यूनिट जो कि मुगल काल तक प्रचलित रही और इस समय भूमि की नाप के आधार पर भू राजस्व की दर तय की जाती थी। एक बार जरा तेजी से कमेंट्स करिएगा, किसके शासन काल में गुणवत्ता के आधार पर टैक्स को वसूला जाता था? दिल्ली सल्तनत काल में किस शासक के शासन काल में जो टैक्स वसूला जाता था वो उसकी क्वालिटी के बेस पर, भूमि के नाप के आधार पर भू राजस्व की दर तय होती थी। धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर सिकंदर लोधी ने असहिष्णु नीति का अनुसरण किया, मुख्यतः उलेमा वर्ग को संतुष्ट करते हुए हिंदुओं के विरुद्ध अनुदार नीति अपनाई। उदाहरण के लिए सिकंदर लोधी ने हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों और पर्वों पर प्रतिबंध लगा दिए, कई मंदिर और मूर्तियों को भी नष्ट किया। नागरकोट हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस को तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया। हिंदू धर्म को सत्य बताने के कारण सिकंदर लोधी ने बोधन नामक एक हिंदू को मृत्युदंड दे दिया था। हालांकि सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित कुछ प्रथाओं पर भी सुधारों के दृष्टिकोण से प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें मुहर्रम में तजिए निकालना, मुस्लिम स्त्रियों का पीरों की मंजिलों पर जाने पर प्रतिबंध। उलेमाओं को खुश करने के लिए जब भी कोई सल्तनत काल का शासक काम करेगा आप देखेंगे कि वह कहीं ना कहीं तालिबानी शासक जैसा ही काम कर रहा होगा, वर्तमान के तालिबान जैसा ही। सिकंदर लोधी स्वयं फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था, गुल रुखी के उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी के काल में कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, इनमें औषधि शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ प्रमुख हैं, जिसका मियां भुआ ने तिब्बते सिकंदरी फरहंगे सिकंदरी के नाम से फारसी अनुवाद भी किया है। तो सिकंदर लोधी के काल में संस्कृत ग्रंथों को फारसी भाषा में ट्रांसलेट भी किया गया, जिसमें जो संस्कृत का औषधि शास्त्र था जिसे मियां भुआ ने तिब्बते सिकंदरी या फरहंगे सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद किया था। सिकंदर लोधी के काल में ही संगीत पर आधारित पहले फारसी ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की भी रचना हुई। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने अपने पिता बहलोल लोधी का दिल्ली में एक मकबरा भी बनवाया। दिल्ली में मियां भुआ के निर्देशन में मोट की मस्जिद का भी सिकंदर लोधी ने निर्माण करवाया। अंततः 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई और अंतिम रूप में आता है इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर से के साथ लड़ाई लड़ेगा इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बनता है, जो कि लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक होता है। जब इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बनता है तो अफगान सरदार, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों का प्रशासन संचालित कर रहे थे, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उसके दादाजी ने जिन अफगान सरदारों को प्रशासक नियुक्त किया था
वे अफगान प्रशासक अब स्वयं को स्वतंत्र कर लेते हैं और इब्राहिम लोदी को कई अफगानी सरदारों का विरोध भी झेलना पड़ता है। अर्थात इब्राहिम लोदी के समय सुल्तान का अपना प्रशासनिक इकाई पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए बिहार का अफगान सरदार दरिया खां लोहानी स्वयं को संप्रभु घोषित कर देता है। लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से बिहार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। इसी दौरान राजस्थान के राणा सांगा भी द्वारा भी अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में दिल्ली की ओर अभियान प्रारंभ कर दिया जाता है। इब्राहिम लोदी के काल में आंतरिक व्यवस्था का पतन हो जाता है। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह थी कि इसने सुल्तान बनने के बाद पुराने सभी अफगान सरदारों को प्रशासनिक पदों से हटा दिया, नए किंतु अनुभवहीन अविश्वास पात्र अफगान सरदारों को नियुक्त कर दिया। तो कुछ अफगान सरदारों की जो धोखेबाजी थी उससे नाराज होकर इब्राहिम लोदी जितने भी अफगान सरदार है सबको पद से हटाकर अपनी मर्जी से नवीन सरदार नियुक्त करता है जिनको इसका अनुभव नहीं था और वो विश्वास पात्र भी नहीं थे। इससे पुराने सरदार असंतुष्ट हो जाते हैं, जिनमें पंजाब का शासक दौलत खां इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां प्रमुख थे। इसने दिल्ली दरबार में भी सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो जाते हैं। अंततः इन्हीं असंतुष्ट सरदारों द्वारा बाबर को भारत पर नियंत्रण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत के साथ ही लोदी वंश का पतन होता है और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना होती है। अब आते हैं टर्मिनोलॉजी पर, लेकिन मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा क्योंकि इसका जवाब मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश आए, अब छठवां वंश मुगल था तो इसको हमने दिल्ली सल्तनत काल में आखिर क्यों नहीं माना? हमने दिल्ली सल्तनत काल के बाद एक नए चैप्टर का शुभारंभ क्यों किया? हमने मतलब इतिहासकार, आखिर इतिहासकार जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाते हैं, समझाते हैं या लिखते हैं तो वह दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश की ही बात करते हैं और मुगलों के लिए एक अलग से मुगल काल की बात कर लेते हैं जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और इसी तरीके से 1757 तक की कहानी हम देखेंगे। तो आखिर इतिहासकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मुगलों को उसी में जोड़कर छठवां वंश कर देते और पूरा दिल्ली सल्तनत काल ही चलने देते? तो इसका जवाब आप जरूर कमेंट्स करिएगा कि आखिर इतिहासकारों ने इस तरीके की बातचीत क्यों प्रस्तुत की होगी। आइए टर्मिनोलॉजी। दीवान ए विजारत, राजस्व विभाग, रिवेन्यू डिपार्टमेंट। दीवान ए विजारत का अध्यक्ष वजीर अथवा प्रधानमंत्री होता था। वजीर ए तौफीद समिति सीमित अधिकार प्राप्त सुल्तान के आदेश के बिना ही महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने में सक्षम। वजीर ए तनफिद सीमित अधिकार या राजकीय नियमों को लागू कराता था और कर्मचारी और सर्वसाधारण पर कंट्रोल करता था। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर नामक अधिकारी इसका सहायक होता था। मुस्तोफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक, मुशरिफ ए मुमालिक द्वारा तैयार किए गए लेखा जोखा की ये जांच करता था। खजीन कोषाध्यक्ष को कहते थे। दीवान ए अर्ज, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। अहमद अय्याज विभाग का पहला अध्यक्ष था। विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। विभाग का प्रमुख कार्य सैनिक की भर्ती करना, सैनिक तथा घोड़ों का हुलिया रखना, सैन्य निरीक्षण करना। दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंशा या दबीर ए खास इसका प्रमुख होता था। शाही घोषणाएं, राजकीय अभिलेख और पत्रों का लेख तैयार करता था। दीवान ए इंशा दबीर ए खास जो व्यक्ति है वो शाही घोषणाओं के लिए था। दीवान ए रिसातल धर्म अथवा कूटनीतिक मामलों से संबंधित विभाग, सद्र नामक अधिकारी इस विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग इसका अध्यक्ष बरीद द मुमालिक कहलाता था। दीवान ए कजा न्याय विभाग, काजी ए मुमालिक अथवा काजी उल कुजात विभाग का अध्यक्ष होता था।
काजी ए मुमालिक न्याय विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति और न्यायपालिका के संचालन का कार्य करता था। सुल्तान के बाद ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था दीवान ए कजा। सद्र सुदूर या धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता था। धार्मिक मामलों पर यह सुल्तान का सबसे बड़ा सहायक। अमीर ए हाजिब इस पदाधिकारी को बारबक भी कहा जाता था। यह दरबार की शानो शौकत रस्मों की देखरेख करता था। यह सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल करता था। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इन्हें याद रखिएगा जो मैं पॉइंट बता रहा हूं। दीवान ए रियासत इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए की थी। मैं पूरी शुरुआत से बता दे रहा हूं, सभी को मत पढ़िएगा। दीवान ए विजारत इंपॉर्टेंट है। फिर मुशरिफ ए मुमालिक, मुस्तोफी ए मुमालिक, खजीन कोषाध्यक्ष। फिर यहां पर अगर हम बात करें तो ये वाला व्यक्ति दीवान ए इंशा, दीवान ए रिसातल पूछा गया है कई बार, गुप्तचर विभाग, दीवान ए बरीद और फिर दीवान ए कजा न्याय विभाग। दीवान ए अमीर को ही इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास माल गुजारी व्यवस्था की जांच हेतु की थी। इसका अध्यक्ष अमीर ए दीवान को ही कहलाता। तो ये डिपार्टमेंट है दीवान ए अमीर को ही। वकील ए दर यह पद शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखरेख करता था। कृषि से जुड़ा हुआ है, इसे नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। दीवान ए बंदगान यह दास विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। इस विभाग के अंतर्गत अर्ज ए बंदगान, मजूमदार व दीवान आदि अधिकारी होते थे। दीवान ए खैरात इस विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। इसका कार्य निर्धन और असहाय लोगों की पुत्रियों के विवाह हेतु। खैरात शब्द हमारे यहां पर आज भी चर्चा में रहता है। दीवान ए इमारत लोक निर्माण विभाग फिरोज तुगलक ने की थी। विभाग को इमारत खाना भी कहा जाता था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी मीर ए इमारत होता था। इस विभाग द्वारा अनेक सराओं, नहरों, बांधों, मस्जिद भवनों, मकबरों, मदरसों का निर्माण होता था। दीवान ए मुस्तखराज इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अतिरिक्त मात्रा में वसूले गए कर का हिसाब रखना। सरजानदार या सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रमुख अमीर ए मजलिस सभाओं, दावतों, उत्सवों का प्रबंध करता था। अमीर ए आखूर अश्वशाला का अध्यक्ष। शाहना ए पील हस्तशिला का अध्यक्ष। ये कैसे याद करेंगे आप लोग? आप कहेंगे सर इतने कैसे याद हो पाएगा? तो इसको याद करने का एक ही तरीका है, इसको एक पेज पर लिख देना। और जैसे कि कोई भी चीज जब टिपिकल लगे तो डेली लगभग 15 दिनों तक पढ़ते चलना, आधे से ज्यादा ऐसे ही याद हो जाएंगे कि इसका मतलब इससे जुड़ा रहेगा। अमीर ए शिकार सुल्तान के शिकार खेलने का प्रबंध करता था। शाहना ए पीर हस्तशिला का अध्यक्ष। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग। मजलिस ए खलवत यह सुल्तान के मित्रों, विश्वास पात्र अधिकारियों की परिषद थी जिसमें समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर, मतलब एक तरीके से कैबिनेट कहिए। सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था। न्याय प्राय काजी उल कुजात अथवा प्रमुख न्यायाधीश करता था जिसे कानून की व्याख्या करने में मुफ्ती सहायता दिया करते थे। कानून कुरान के आदेशों पर आधारित था। यद्यपि अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक न्याय करने में नीति का विचार करते थे। दंड विधान अत्यंत कठोर था। अपराधियों को अंग भंग तथा मृत्यु के दंड देना आम बात थी। अपराध स्वीकार करने के लिए बल तथा यातना का प्रयोग किया जाता था। न्याय प्रणाली अधिक सुव्यवस्थित नहीं थी। बिना उचित जांच कराए मुकदमे चला दिए जाते थे। अधिकतर अवसरों पर मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त रूप में हो जाती थी। आइए प्रश्नों पर भी गौर करते हैं। 2019 का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। हमने देखा था दिल्ली के सुल्तान की इक्ता प्रणाली प्राचीन नहीं थी, इन्होंने ही लाई थी, तो दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दूसरा नहीं होगा तो ऑप्शन बी और डी नहीं होगा। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी नहीं, मीर बख्शी का तो मुगल काल में आएगा, तो तीसरा भी नहीं होगा। आंसर आएगा केवल और केवल पहला। आमिल उत्तर भारत में सल्तनत काल के दौरान राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी थे। अकबर ने भी समय समय पर किसानों को ऋण देने और उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रोत्साहित करने के लिए आमिलों को निर्देशित किया था। इक्ता प्रणाली भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान इक्ता प्रणाली की शुरुआत हुई थी। निरंतर नए नए राज्यों का उदय हो रहा था और दिल्ली सल्तनत बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा हो गया कि अकेले शासन करना संभव नहीं हुआ। तब लोगों को इक्ता
एक हिस्सा दे दिया जाता था जिस पर वो शासन करेंगे, राजस्व वसूल करेंगे और दिल्ली तक राजस्व पहुंचाएंगे, उन्हें इक्तेदार कहा जाता था। अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था, उसका पद वंशानुगत नहीं था, इक्तेदार का पद हस्तांतर होता था, वो ट्रांसफर किया जा सकता था। इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार नहीं होता था, लगान वसूल करना, सैनिक व्यवस्था करना, शांति स्थापित करना। इक्ता का विभाजन शिक में होता था, संभवतः 1279 में बलबन के समय पहली बार शिक का निर्माण हुआ, मतलब इक्ता के अंदर भी शिक आने लगे। इस पर शिकदार नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। शिक का विभाजन परगनों में हुआ, तो इसका मतलब मान लीजिए कि इक्ता आपका एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक आ गए तो ब्लॉक को नाम दे दिया शिक, और शिक के अंदर आ गए परगना, परगना मतलब एक तरीके का गांव पकड़ लीजिए आप। तो शिक का विभाजन परगना में हुआ और इस प्रकार आमिल नामक अधिकारी इस परगना पर नियुक्त होता था। तो आमिल जो था वो परगना पर नियुक्त होता था, गांव का मुखिया समझ लीजिए। मीर बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। इस पद की शुरुआत मुगल काल में हुई, इसका तात्पर्य सैनिक की भर्ती करना, इसका कार्य सैनिक की भर्ती करना, हुलिया और डाक, शस्त्र रसद सबकी देखभाल, पदोन्नति और वेतन देखना था। 2010 का प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तविक रूप से इस्लामी नहीं माना, क्यों? अधिकतर जनसंख्या इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इस्लामिक धार्मिक तत्वों की उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानूनों के साथ साथ स्वयं के भी नियम बनाए थे और गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रताएँ दे दी गई थी। तो कई जगह पर आप देखेंगे कि सुल्तान ने अपने खुद के भी नियम बनाए थे, पूरी तरह से मुस्लिम नियमों के अंतर्गत शासन नहीं चलाया गया। सैद्धांतिक रूप से सल्तनत काल एक इस्लामी राज्य था, किंतु व्यवहारिक रूप में यहाँ शरीयत का कानून नहीं था, इसलिए बर्नी ने दिल्ली सल्तनत को इस्लामी राज्य न मानकर व्यवहारिक और जहादारी माना, मतलब जहां अपने खुद के कानून चलते हैं। बर्नी के बारे में आप जानते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक का समकालीन था। बर्नी ने तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी की रचना की। बर्नी ने सल्तनत काल को वास्तव में इस्लामिक शासन नहीं माना, क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ स्वयं के नियम कानूनों को भी लागू करवा के रखा था। 2009 मध्यकालीन भारत राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, तो निश्चित ही हम कहेंगे कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग, और इसीलिए दास प्रथा उस समय बहुत प्रचलन में थी। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग, दीवान बंदगान की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चाचा नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने, सैनिकों के चेहरे की पहचान का रिकॉर्ड रखने के साथ सैनिकों को नगद वेतन देने की पद्धति की शुरुआत की थी। 2007 का प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, तो सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। बिल्कुल, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो आंसर आएगा कि दोनों बातें सही है, लेकिन वो स्पष्टीकरण नहीं है। वो टोकन मुद्रा जो जारी करना चाहता था वो तांबे की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने काल में सोने का सिक्का भी प्रचलित करवाया था, जिसे इब्न बतूता नामक अफ्रीकी यात्री ने, मोरक्को का था ये, अपने लेख में दीनार कहा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई देशों के साथ व्यापार करना चाहता था, किंतु भारत में उसने जो सोने का सिक्का चलाया उसका इस व्यापारिक उद्देश्य के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक विदेशों के साथ व्यापार स्थापित करने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। 2004 बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी का संबंधी था। वो दिल्ली के राज सियासन का दावेदार था। इब्राहिम लोदी का संबंधी था उसे देश से निष्कासित कर दिया था। दिलावर खान का पिता था, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला था। पंजाब प्रांत का एक उच्च अधिकारी था जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी की व्यवस्था से अत्यधिक असंतुष्ट था। तो हम कहेंगे कि इब्राहिम लोदी का संबंधी था, वो दिल्ली के राज सियासन को चाहता था।
आलम खान सुल्तान बहलोल लोधी का बेटा और दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी का चाचा था। आलम खान खुद को दिल्ली का असली हकदार समझता था। जब वो अपने बल पर इब्राहिम लोधी को गद्दी से नहीं हटा सका तो उसने लाहौल के हकीम दौलत खान लोधी से मिलकर बाबर को हमला करने के लिए निमंत्रण दिया और इसके फलस्वरूप बाबर ने भारत पर हमला किया, लेकिन भारत विजय के बाद बाबर उसको भी मार डालता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे अधिक आक्रमण किसके शासनकाल में, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सबसे पहला था, सॉरी। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा आक्रमण जो हुए थे वो खिलजी वंश के दौरान हुए थे। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने पहली बार भारत में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया। दरअसल चंगेज खां ख्वारिज्म शाह का पीछा कर रहा था, जिसको चंगेज खां निजी कारणों से दंड देना चाहता था। ख्वारिज्म भारत की तरफ भाग आया और उसका पीछा करते हुए चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि चंगेज खां भारत के ज्यादा अंदर तक नहीं आया, क्योंकि तत्कालीन शासक इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म शाह को शरण देने से मना कर दिया। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान कई बार मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किए। इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत में लूटपाट करना होता था। पहला मंगोल आक्रमण भारत पर इल्तुतमिश के काल में 1221 में चंगेज खां ने किया था, किंतु ये लूटपाट के उद्देश्य से नहीं किया गया था। इसके बाद 1279 और 1285 को बलबन के काल में मंगोलों ने भारत पर लूटमाल के उद्देश्य से दो बड़े सफल आक्रमण किए। जलालुद्दीन खिलजी पहला भारतीय शासक था जिसने मंगोलों को पराजित किया, और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर सबसे अधिक आक्रमण किए, किंतु किसी भी आक्रमण में मंगोल सफल नहीं हुए, और इस दृष्टिकोण से अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल सबसे अधिक सफल माना जाता है। तो इसी के साथ दिल्ली सल्तनत काल पूरा समाप्त होता है। चार वीडियो की श्रृंखला में हमने दिल्ली सल्तनत काल के हर पहलुओं को कवर कर लिया है। 365 वाला जो क्लासेस है वो डेली आएगा और दो दो आएगा। आप तैयार रहिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। बिल्कुल, जो लोग 365 में, बता दूं कि पीटी 365 बैक टू बैक मैराथन साइंस टेक पॉलिटी इकोलॉजी एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स इन चार विषयों पर आएगी और पांचवा मिसलेनियस होगा। तो तनाव मत लीजिए, हमारे माइंड सेट में भी 365 वाला कंसेप्ट है। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। सभी को बेस्ट।